बीपीएससी 67वीं पीटी के अभ्यर्थियों को सुभाष पोद्दार का स्नेहिल नमस्कार। स्वागत है आप सबों का करियर सेपर पर। आज के इस सत्र में मैं भौतिक भूगोल पर 25 प्रश्नों का एक सेट लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ, जिसमें अर्थ्स इंटीरियर, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और प्लेट टेक्टोनिक्स पर फोकस किया गया है। आइए इस सेट को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक स्तरीकृत आंतरिक पृथ्वी की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ ए लेयर्ड इंटरनल अर्थ के साक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, इसके एविडेंस में क्या क्या सोर्स है और उस सोर्स में से सबसे यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। ऑप्शन देखें, गहरे क्रोड नमूने यानी डीप कोर सैंपल्स, सामान्य चट्टानों के विश्लेषण एनालिसिस ऑफ कॉमन रॉक्स, उल्काओं के अध्ययन स्टडी ऑफ मेटेरॉइड्स, भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो देखिए, ये डी नंबर ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन स्रोतों में, जो इस कॉन्सेप्ट का साक्ष्य है। तो ये सारे ऑप्शन इसके स्रोत हैं, साक्ष्य के स्रोत हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर इसका डी हो गया, ये हो गया आंसर। ये फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, चारों ऑप्शन फैक्ट ही है। दो नंबर देखें, पृथ्वी के अंदर तापमान क्या होता है, गहराई के साथ घटती है, बढ़ती है, प्रत्येक 32 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस के दर से बढ़ती है, प्रत्येक 32 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस के दर से बढ़ती है, कौन सा होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर गहराई के साथ बढ़ेगा और वो 32 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस के दर से बढ़ता रहेगा। तो इसमें देखिए कौन सही हुआ, बी और सी सही है इसमें, आंसर इसका ई चला जाएगा। आंसर ई हुआ, और इस पे ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये सही है और ये सही है। तीन नंबर देखें, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड पर यानी एट द इनर कोर ऑफ द अर्थ क्या होता है, पदार्थ पिघले अवस्था में रहते हैं, पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं, बहुत अधिक दबाव के कारण गलनांक बिंदु वहाँ के तापमान से उच्चतर होता है, बहुत अधिक दबाव के कारण गलनांक बिंदु वहाँ के तापमान से निम्नतर होता है। तो इसमें देखें, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड पर क्या होगा, पदार्थ ठोस अवस्था में होता है और उसका कारण क्या है, कारण है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक प्रेशर होता है उसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है प्रिवेलिंग टेम्परेचर से, जो वहाँ प्रिवेल करता है टेम्परेचर इनर कोर में, उससे उच्चतर होता है। बी और सी इसमें सही है, ये भी फैक्ट है। ये सारा जो भी क्वेश्चन सेट किया गया है वो बिल्कुल टेक्स्ट से लेकर के किया गया, और ये फैक्ट है, इसको याद कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें बी और सी सही हुआ, आंसर इसका ही जाएगा। बी और सी सही है। चार नंबर देखें, पृथ्वी के बाहरी क्रोड में इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ, पदार्थ द्रव्य अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, आंतरिक क्रोड की अपेक्षा अधिक दबाव, आंतरिक क्रोड की अपेक्षा कम दबाव, क्या होगा इसमें। देखिए, आउटर कोर में पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म लिक्विड स्टेट में, क्योंकि प्रेशर थोड़ा लेस रहता है आंतरिक क्रोड की अपेक्षा। तो इसमें ए और डी सही है, आंतरिक क्रोड की अपेक्षा कम दबाव और पदार्थ द्रव अवस्था में, इसका भी आंसर ई होगा। और इसमें सही कौन कौन सा हुआ, ए और डी, ये दोनों सही है।
पांच नंबर देखें कोर और मेंटल अलग होते हैं, ये डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में अर्थ इंटीरियर में। तो देखिए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, कॉन्कॉर्ड डिसकंटिन्यूटी, डी तो होता ही नहीं है, कॉन्कॉर्ड कॉनराड तक होता है, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा आपका, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से कोर और मेंटल अलग होते हैं। यह एक नोटेबल एस्पेक्ट है अर्थ के इंटीरियर का कि संकेंद्रीय गोले एक दूसरे में इम्परसेप्टिबली मर्ज नहीं करते बल्कि एक दूसरे से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? एब्रप्ट या अनएक्सपेक्टेड डिसकंटिन्यूटीज से। तो वही डिसकंटिन्यूटी को पढ़ना पड़ता है किससे कौन अलग होता है। तो आंसर इसका ए हो गया। ये सब पूछता रहता है, इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। छः नंबर देखें मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी अलग करता है, किसको अलग करता है? कोर को मेंटल से, मेंटल को क्रस्ट से, क्रस्ट के ऊपरी ग्रेनाइट और निचली बेसाल्टिक स्तरों को, क्रस्ट के ऊपरी बेसाल्टिक और निचली ग्रेनाइट स्तरों को। तो देखिए ये आंसर इसका होगा मेंटल को क्रस्ट से, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी मेंटल को क्रस्ट से अलग करता है, ये याद रखेंगे। बी हो गया इसका आंसर। और ये क्रस्ट के ऊपरी ग्रेनाइटिक और निचली बेसाल्टिक स्तरों को जो अलग करता है वो था कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। सात नंबर देखें क्रस्ट के किन दो स्तरों के एक भूकंपीय रूप से निर्धारण योग्य सीमा, एसिस्मिकली डिटर्मिनेबल बाउंड्री अलग करता है। तो अभी भी जो चर्चा हुई इसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, वो ऊपरी ग्रेनाइट और निचली बेसाल्टिक को अलग करता है, के स्तरों को अलग करता है, इसी से एक भूकंपीय रूप से निर्धारण योग्य सीमा है जिसको जिसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, उसी से ये जो है दो स्तर अलग होता है क्रस्ट का जो स्तर है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। यही सिस्मिकली डिटर्मिनेबल बाउंड्री कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाता है, कोनार्ड। आठ नंबर देखें मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा कैसा है, कठोर है, मुलायम है, पिघला हुआ है, इस पर क्रस्ट अस्थित है। तो देखें मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा रिजिड है यानी कठोर है और इस पर क्रस्ट रेस्ट करता है यानी इस पर क्रस्ट अस्थित है। तो आठ का ए और डी सही है, आंसर ई हो गया इसका। ए सही है और डी सही है। नौ नंबर देखें स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, चट्टानों का मंडल, सस्यों का मंडल क्रस्ट को कहते हैं, क्रस्ट और ठोस सबसे ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। तो स्थल मंडल पढ़े होंगे लिथोस्फीयर, तो इसका अर्थ होता है चट्टानों का मंडल, ये सही है। और फिर देखें ये सस्यों का मंडल नहीं है, क्रस्ट को नहीं कहते हैं स्थल मंडल, क्रस्ट और ठोस सबसे ऊपरी मेंटल से मिलकर जो बना होता है वही स्थल मंडल है यानी डी सही है। तो इसमें भी आपका ये कौन सा दो ऑप्शन सही हुआ, ये सही हुआ और ये सही हुआ।
तो आंसर इसका ई हो जाएगा। दस नंबर देखें, एस्थेनोस्फेयर के संबंध में असत्य कथन है। एस्थेनोस्फेयर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखें, ऊपरी मेंटल में कठोर प्लास्टिक स्तर है, ऊपरी मेंटल में मुलायम प्लास्टिक स्तर है, स्थल मंडल के नीचे स्थित मेंटल का ऊपरी स्तर है, स्थल मंडलीय प्लेटें इसके ऊपर स्थित हैं। असत्य कथन पूछ रहा है। देखिए, एस्थेनोस्फेयर जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जब जानेंगे तब ये ऑप्शन आपको पकड़ में आएगा। तो देखिए, ये बी सी डी सही है इसमें, और ए गलत है। ऊपरी मेंटल में कठोर प्लास्टिक स्तर एस्थेनोस्फेयर नहीं होता है, ऊपरी मेंटल में मुलायम प्लास्टिक स्तर है, सॉफ्ट प्लास्टिक लेयर है ये, और स्थल मंडल के नीचे स्थित मेंटल का ऊपरी स्तर है, और स्थल मंडलीय प्लेटें इसके ऊपर स्थित हैं। ये सही है, तो बी सी डी इसमें सही है, ए गलत है, तो आंसर ए हो गया। ये सब फैक्ट है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ये बहुत काम आएगा आने वाले एग्जाम सब में। 11 नंबर देखें, स्थलमंडलीय प्लेटों को गति करने में सुविधा प्रदान करता है, कौन सुविधा प्रदान करता है? एस्थेनोस्फेयर का गर्म प्लास्टिक चरित्र, लिथोस्फेयर का गर्म प्लास्टिक चरित्र, बी नंबर। सी देखें, संवहनीय ऊष्मा कोशिकाएं, कन्वेक्टिव हीट सेल्स, विकिरणीय ऊष्मा कोशिकाएं, रेडिएटिव हीट सेल्स, तो कौन कौन होगा इसमें? स्थल मंडलीय प्लेटों को गति करने में कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? तो देखें, ये एस्थेनोस्फेयर का गर्म प्लास्टिक चरित्र, हॉट प्लास्टिक कैरेक्टर ऑफ एस्थेनोस्फेयर, एक तो ये हुआ, दूसरा कन्वेक्टिव हीट सेल्स, ये दोनों सही है, यही दोनों सुविधा प्रदान कराता है, ए और सी, तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। बारह नंबर देखें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को होता है, ये तो बहुत ही हल्का प्रश्न है, फिर भी सेट कर दिए हैं, बस दो ही पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो इसमें कुछ कहना नहीं है, इसका आंसर ई होगा, यही दो पोल होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और इन मेनी रेस्पेक्ट्स आवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड रिजेम्बल्स दैट ऑफ अ सिंपल बार मैग्नेट, ये भी सबको पता है कि ये सामान्य छड़ चुंबक की तरह सदृश होता है, हमारा अर्थ जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सामान्य छड़ चुंबक की तरह काम करता है। 13 नंबर देखें, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के साथ, भौगोलिक ध्रुव जो है अर्थ पे नॉर्थ एंड साउथ, और फिर मैग्नेटिक पोल भी होता है ये नॉर्थ एंड साउथ, तो क्या है, दोनों पूरी तरह से संरेखित है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित होना, डू क्वाइंसाइड एग्जैक्टली, बी नंबर देखें, डू नॉट क्वाइंसाइड एग्जैक्टली, सी समानांतर है, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पूरी तरह से संरेखित नहीं है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के साथ। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सब बिल्कुल पूछेगा, तो आंसर इसका हो गया बी, पूरी तरह से संरेखित नहीं है, डू नॉट क्वाइंसाइड एग्जैक्टली। 14 नंबर देखे, अदृश्य बल की रेखाएं, इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स, पृथ्वी से होकर गुजरती है, पृथ्वी से होकर नहीं गुजरती है, पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक विस्तार करते हुए अंतरिक्ष में बाहर निकल जाती है, 14
चौथा नंबर है पुनः पृथ्वी में समा जाती है। तो देखिए इसका आंसर ए और सी सही है। ये पृथ्वी से होकर गुजरती है, इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स, और पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक्सटेंड करते हुए, विस्तार करते हुए अंतरिक्ष में बाहर निकल जाती है। तो ये दो ऑप्शन सही हुआ, आंसर इसका ई जाएगा। पंद्रह नंबर देखें, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवता को उल्टा कर देता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस पोलैरिटी, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन देखें, उत्तर चुंबकीय ध्रुव दक्षिण चुंबकीय ध्रुव बन जाता है, ये सही है। दक्षिण चुंबकीय ध्रुव उत्तर चुंबकीय ध्रुव बन जाता है, ये भी सही है, ये दोनों होता है। और ये सी तो गलत सेट किया हुआ है, आंसर इसका ए भी होगा। ये भी सही है, तो इसका आंसर ई चला जाएगा। सोलह नंबर देखें, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ है? जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, उसके संबंध में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन देखें, अब तक ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, ये बात सही है। Not yet known exactly। दूसरी तरफ देखिए और भी कई बातें हैं। बी नंबर ऑप्शन देखें, अधिकतर अन्वेषणकर्ता सहमत हैं कि वाय कोर में पिघला हुआ लोहा का क्रमबद्ध भाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सही है। सी देखें, अधिकतर अन्वेषणकर्ता सहमत है आंतरिक कोर में पिघला हुआ लोहा का क्रमबद्ध बहाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और डी देखें, ये आंतरिक कोर वाला गलत होगा। डी देखें, कोर एक सेल्फ सस्टेनिंग डायनेमो की तरह व्यवहार करता है, सर्वाधिक स्वीकृत दृष्टिकोण है, ये भी सही है। ये सर्वाधिक स्वीकृत दृष्टिकोण यही है कि कोर जो है अर्थ का वो सेल्फ सस्टेनिंग यानी कि सेल्फ मेंटेनिंग, अपने आप मेंटेन होने वाला डायनेमो की तरह व्यवहार करता है, ये बात सही है। तो डी सही है, बी सही है, ए सही है। 16 का तो इसमें आंसर चला जाएगा आपका ई, ए बी डी सही है। ये सही है, ये सही है। और फिर डी सही है, इस तरह से इसका आंसर ई हो गया। 17 देखें, 1950 के दशक और 60 के दशक में पहली बार लिथोस्फीयर के बारे में निम्नलिखित तथ्य सामने रखे गए। क्या तथ्य रखा गया? यह एक पूर्ण आवरण है, वन कंटिन्यूअस सेल है। यह एक पूर्ण आवरण नहीं है, नॉट वन कंटिन्यूअस सेल। यह निश्चित भ्रंशों पर टूटा हुआ है या निश्चित दरारों पर टूटा हुआ है। तो देखिए ये बी सी डी सही है इसमें, तो इसका भी आंसर ई चला गया, ये गलत है। ये तो इस फेर के बारे में इस तरह की बातें हुई 1950 और 60 के दशक में, ये सामने रखा गया लिथोस्फीयर एक पूर्ण आवरण नहीं है, नॉट वन कंटिन्यूअस सेल। तो ये सही है, यह निश्चित भ्रंशों पर टूटा हुआ है, फॉल्ट्स पर ये क्रैक किया हुआ है, ये भी सही है। और निश्चित दरारों फिशर पर टूटा हुआ, ये भी सही है, इस तरह की बात सामने आई थी। तो देखिए इसका आंसर ही चला गया। 18 नंबर देखें, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत क्या व्याख्या करता है? पढ़े होंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, बहुत ही फेमस सिद्धांत है ये। ऑप्शन देखें, लिथोस्फीयर कई अलग खंडों से मिलकर बना है, ये सही है। बी देखें, एस्थेनोफेयर कई अलग खंडों से मिलकर बना है, ये गलत है। क्रस्ट अलग खंडों से मिलकर बना है, ये गलत है। मेंटल कई अलग खंडों से बना, तो इसका आंसर ए हो गया 18 का।
लिथोस्फेयर कई अलग खंडों से मिलकर बना है, जिसको प्लेट बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत मोटा मोटी यही बयां करता है। 19 नंबर देखकर लगभग कितने प्लेटों की पहचान हो चुकी है? लगभग तो ये आंसर इसका 20 होगा। छोटे बड़े लगभग 20 प्लेट आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 20 नंबर देखें, सबसे छोटा प्लेट कहाँ पर स्थित है? ये आप जुआन डी फूका का नाम सुने होंगे, ये सबसे छोटा प्लेट है अब तक ज्ञात प्लेट में, तो ये उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। आंसर इसका बी हो गया, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर। 21 नंबर देखें, निम्नलिखित में सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? ये देखें, यूरेशियन, अफ्रीकन, नजफा, पैसिफिक। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है। 22 नंबर देखें, गति के प्रकार के आधार पर प्लेट मार्जिन के प्रकार नहीं है, तो ये आपको जानना जरूरी हो जाएगा कि गति के प्रकार के आधार पर प्लेट मार्जिन के कितने प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, रूपांतर, भ्रंश सीमाएं, ये होता है, ये चौथा नहीं होगा, चौथा है ही नहीं, वो ऐसे ही सेट किया गया है। तो ये तीनों फैक्ट है, इसको याद कर लेंगे। 23 नंबर देखें, एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री परिणामित होता है जब प्लेटें अलग गति करते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कब परिणामित होगा? जब प्लेटें अलग गति करते हैं। कैसे अलग गति करने लगता है, उसी पर क्वेश्चन है। मेंटल से पदार्थ के निकलने के साथ, विद द अपवेलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द मेंटल, और बाकी आंतरिक कोर, बाय कोर, लिथोस्फेयर, ये सब गलत होगा। तो इसका आंसर ए हो गया, ये मेंटल से जो पदार्थ निकलता है बाहर की ओर, उसी से प्लेट थोड़ा सा डाइवर्ट होता है और फिर अलग मूव करने लगता है। 24 नंबर देखें, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, नाम सुने होंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स पे ये सब पढ़ा जाता है। देखें, ऑप्शन हैरी हैस के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ये सही है, इन्हीं का सिद्धांत है। बी गलत है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत, ये गलत है। सी देखें, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मैकेनिज्म से व्याख्या की गई है, ये सही है। डी फिर गलत है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मैकेनिज्म से व्याख्या की गई, ये गलत है। तो इसमें ए और सी सही हुआ, आंसर इसका ई चला गया। 25 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण कौन कौन सा है ये जानना पड़ेगा। देखिए, इसका उदाहरण है ये ए सी डी, इसका उदाहरण है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका और अरब प्रायद्वीपों के बीच वेज ड्राइव करता हुआ लाल सागर, और मिड अटलांटिक रिज सिस्टम जहाँ से अटलांटिक का विस्तार होना शुरू होता है। तो इसमें देखिए, यूरोप का ग्रेट रिफ्ट वैली, ये गलत है, यही आंसर होगा। 25 आप याद कर लें, आगे एग्जाम में काम देगा। ये सेट फैक्ट से भरा हुआ है ऑप्शन जो भी है। इस प्रकार यह सेट व्याख्या सहित हल हुआ। आगे ऐसे कई सेट बीपीएससी स्तर के लाए जाएंगे। आप करियर से पर वीडियो देखते रहें और अन्य को भी इन प्रश्नों से लाभान्वित करते रहें। शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।